नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन कीर्तुने और आप सबका स्वागत करते हैं इस वंडरफुल वीडियो में। सुबह सुबह अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और दोस्तों आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती है और इसमें हमारा ऑफिस भी छुट्टी है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं सुबह 4:30 बजे उठ गया था और सुबह जो मेरा मॉर्निंग रिचुअल रहता है, जैसे कि मैं सुबह उठ के पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता हूँ, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करता हूँ, फिर मनी मेडिटेशन करता हूँ, इस तरह से सुबह का जो भी रिचुअल है वो कंप्लीट करने के बाद आज एक चैलेंज लेने का सोचा है। एक छोटा सा चैलेंज है, वो चैलेंज क्या है दोस्तों, आज मैं ये बुक पढ़ने वाला हूँ। ये बुक पढ़ने वाला हूँ, कौन सा, द पैराबल, आप देख पा रहे होंगे, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। तो इस बुक को आज मैं फिनिश करने का चैलेंज लिया है। इस बुक में 126 पेजेस है, जो कि मैंने इसमें से 10 पेज पहले पढ़ चुका था, तो आज जितने भी पेजेस बचे हैं वो मैं पूरा करने का चैलेंज लिया है। तो प्रोबेबली आज मैं इसको फिनिश करूंगा, ये मेरा चैलेंज है। और ये जो बुक है, देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब सबको क्या होता है, बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट जो भी बुक मतलब मनी से रिलेटेड होता है कि मतलब कैसे आप अपने पैसे की ग्रोथ कर सकते हैं, फिर जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, कैसे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस टाइप के जो बुक होते हैं दोस्तों, उसमें मेरे को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इस बुक को भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो मैं डेफिनेटली इसको आज मैं फिनिश करूंगा। उसके बाद जैसे ही दोस्तों फिनिश हो जाएगा, मैं इसका समरी भी डिस्कस करूंगा। जिसको भी ये बुक खरीदना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके अमेज़न का लिंक है वो खरीद सकते हैं, जिसको भी खरीदना हो, ठीक है। और इसको मैं फिनिश करने के बाद दोस्तों आप लोगों से मिलता हूं समरी के साथ, समरी डिस्कस करूंगा कि क्या था इस बुक का समरी। चलिए दोस्तों फिर समरी में मिलते हैं, थैंक यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वंडरफुल वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, कल मैंने एक छोटा सा चैलेंज लिया था, वो चैलेंज क्या था, इस बुक को एक दिन में फिनिश करने का, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, इस बुक को एक दिन में फिनिश करने का मैंने चैलेंज लिया था। और कल मैंने सुबह से स्टार्ट किया था, सुबह एक घंटा पढ़ा था मैंने इस बुक को, एक घंटा पढ़ा, फिर शाम को 3:30 से लगभग 7 बजे तक मैं इस बुक को पढ़ा और पूरा फिनिश कर दिया। ये मेरे लाइफ में पहली बार था जब मैंने एक बुक को एक दिन में पूरा पढ़ के फिनिश किया। जब मैंने अपना चैलेंज पूरा किया दोस्तों कल, मैं बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, मैंने कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिला। ऐसा ही दोस्तों आपको भी क्या करना है, अपने जीवन में छोटे छोटे चैलेंज लेना है, उसको कंप्लीट करना है। जब कंप्लीट करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपके अंदर कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। अब दोस्तों इस बुक को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आप जरूर पढ़िए, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़न का लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। अब थोड़ा सा इस बुक से मुझे क्या सीखने को मिला वो मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। जैसे कि इस बुक में पहला ही एक स्टोरी से स्टार्ट किया गया और उसी स्टोरी के इर्द गिर्द इस बुक को पूरा बताया गया है। तो स्टोरी क्या होता है, बहुत पहले की बात है कि एक गांव में पेब्लो एंड ब्रूनो नाम के दो कजिन्स थे, मतलब दो भाई थे। दोनों भाई थे, दोनों क्या थे, बहुत एम्बिशियस थे, दोनों के बड़े बड़े ड्रीम्स थे और दोनों जो है बहुत मेहनत भी करते थे। अब उनको एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो खूब सारा पैसा कमा सके, फेमस हो सके। उन गांव में क्या था, एक दिक्कत था, गांव में ये दिक्कत था कि पानी के लिए क्या होता है, उनको दूर जाना पड़ता था गांव वालों को। तो गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वो नदी से पानी गांव तक लाए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ब्रूनो और पेब्लो को मिला, दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि एक बाल्टी पानी के उनको कुछ सेंट्स मिलता मिलेगा और ऐसे ही वो दिन भर में कुछ डॉलर कमा लेंगे। इस तरह से वो लोग बहुत खुश हुए कि अब हम लोग क्या हो जाएंगे, रिच बन जाएंगे। अब क्या हुआ, दूसरे दिन ब्रूनो और पेब्लो दोनों बाल्टी उठाए, बकेट उठाए और चले गए नदी में, वहां से पानी भरे, गांव में आए, गांव में जहां भी टंकी था वहां डाला, मतलब इकट्ठा किया, फिर गए, फिर लाए, फिर गए, फिर लाए, फिर गए, फिर लाए, ऐसे दिन भर उन्होंने क्या किया, पानी लाया, ठीक है। ये फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे के बाद पेब्लो के दिमाग में आया, ये काम तो बहुत मेहनत का है, क्या हम इस काम को थोड़ा सा आसान तरीके से कर सकते हैं क्या। तो पेब्लो ने क्या किया, थोड़ा सा रिसर्च किया, ढूंढा कि क्या हम इस काम को और थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। पेब्लो ने थोड़ा इधर उधर ढूंढा, फिर उसको एक रास्ता मिला। क्या रास्ता मिला, उन्होंने देखा कि यदि हम रिवर से गांव तक एक पाइपलाइन डाल सकते हैं तो ऐसा हो सकता है, हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, डेली जाके पानी ढोना नहीं पड़ेगा। तो पेब्लो ने ब्रूनो से कहा, देख भाई ब्रूनो, मेरे को एक आइडिया मिला, जबरदस्त आइडिया है, चल मिलके काम करते हैं, क्या करते हैं वहां से एक पाइपलाइन डालते हैं और हमारा जो ये रोज का जो मेहनत है, कंधा दर्द होना, डेली इतना मेहनत, इतना कष्ट होना, ये कष्ट नहीं होंगे।
तो ब्रूनो क्या बोलता है? ब्रूनो बोलता है, देख भाई इधर किसी ने अभी तक ऐसा काम नहीं किया, आसपास के गांव में किसी ने ऐसा पाइपलाइन नहीं डाला, मतलब ये काम क्या है, बहुत कठिन है, और ये जो मिट्टी है ये क्या है, पत्थर से भरा हुआ है, मतलब रॉकी सॉइल है, तो हम इसमें ये काम नहीं कर सकते। तो उसने मना कर दिया। और फिर पेब्लो ने क्या किया, फिर दूसरे किसी दोस्तों के साथ बात की, तो वहां भी वो फेल हो गए, उन्होंने भी डिस्करेज किया तो वो नहीं हो पाया। तो पेब्लो क्या करता है, डेली यही करता है, डेली क्या करता है, वैसे ही जो काम चल रहा था, मतलब पानी लाना, टंकी में डालना, लाना टंकी में डालना, इस तरह तो चल ही रहा था। तो उसने क्या किया, शाम को दो घंटे, मतलब काम के बाद जब ये पानी लाने का काम फ्री हो जाता है, वो दो घंटे क्या किया, पाइपलाइन बिछाने के लिए काम स्टार्ट किया। पाइपलाइन जब बिछाने के लिए वो काम स्टार्ट किया, गड्ढा खोदने लगा, तो उसको बहुत दिक्कत हुई, पत्थर थे, रेत था, मिट्टी, मतलब बहुत तरीके से दिक्कत आई, लेकिन उसने कोशिश जारी रखा। और क्या किया, साथ में दिन भर वो पानी ढोता रहा, और मतलब शाम को दो घंटे क्या किया उसने, अपने पाइपलाइन को बनाने में लगा दिया। तो इस तरह से दो साल, ढाई साल, तीन साल निकल गए, उसके बाद पाइपलाइन बन के तैयार हो गया। ये हो गया मैजिक। अब क्या मैजिक हुआ दोस्तों, अब समझिएगा, उसने पाइपलाइन तैयार कर लिया, अब क्या हुआ, पानी डायरेक्ट रिवर से यहां आता था, मतलब टंकी में आता था, और टंकी से वो क्या किया, पाइपलाइन सभी घरों घरों में बिछा दिया। उससे क्या हुआ, जो ब्रूनो था उसका तो कोई पानी नहीं लेगा, अब क्या हो गया, पेब्लो जो पाइपलाइन डाला है उसी का पानी लेगा। तो इस तरह से पेब्लो का जो है बहुत ख्याति मिला पेब्लो को, और उसको ऑफर मिला कि भैया तुम इस शहर का मेयर बन जाओ, लेकिन पेब्लो ने उस मेयर बनने के ऑफर को ठुकरा दिया। और इस काम को उसने सोचा, एक गांव में मैं ये किया हूं, आसपास न जाने कितने गांव हैं, सब जगह मैं ये बिजनेस पाइपलाइन बिछाने का बिजनेस करूंगा, और पूरे वर्ल्ड में पाइपलाइन बिछाऊंगा। तो उसने क्या किया, फिर ब्रूनो के पास गया, ब्रूनो को बोलता है, देख भाई मैंने पाइपलाइन बिछा लिया और मुझे ये सक्सेस मिला है, मुझे पता है कैसे पाइपलाइन बिछाते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, मैं तेरे को सिखाऊंगा, तू दूसरे को सिखाना, और इस तरह से हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो होगा। इस तरह से दोनों मिल गए, ब्रूनो ने उसके सक्सेस को देखा था और वो मिल गए। अब दोस्तों इस कहानी से सीख क्या मिलती है, और दोनों सक्सेस हुए, अब इस कहानी से सीख क्या मिलती है वो सोचिएगा। ये कोई छोटा मोटा कहानी नहीं, बहुत जबरदस्त कहानी है। देखिए हमारे जो ट्रेडिशनल लाइफ है, हमारे जो स्कूल है, स्कूल कॉलेजेस में दोस्तों हमें क्या सिखाया जाता है, बकेट उठाना। बकेट उठाना मतलब जिस दिन हमें जॉब करना सिखाया जाता है, जब हम एक छोटे से जॉब में कुछ कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, हम क्या करते हैं, 10,000 से जहां 15,000 मिले वहां चले गए। मतलब क्या है, पहले हम छोटे बकेट में पानी ढोते थे, फिर क्या किया, बड़े बकेट में पानी ढोना स्टार्ट किया, उसके बाद और कहीं ज्यादा मिल रहा हो तो हम क्या करेंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे और बड़ा बकेट उठाना स्टार्ट कर देंगे। हमें स्कूल एंड कॉलेज में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पाइपलाइन कैसे डेवलप किया जाए, कैसे ऐसा कोई हम पाइपलाइन बिछाए जिससे कि हमें लाइफ टाइम पैसे आते रहे। क्योंकि देखिएगा, उन्होंने पाइपलाइन डाला, इसका मतलब क्या हुआ, जब पेब्लो ने पाइपलाइन डाला, इसका मतलब क्या हुआ, जब वो सो रहा हो तब भी क्या होगा, पानी का फ्लो बना रहेगा, जब वो वेकेशन पे जा रहा गया हो तब भी पानी का फ्लो बना रहेगा, जब वो बीमार हो या फिर कुछ भी हो जाए पानी बना रहेगा। लेकिन ब्रूनो जब पानी ढोता, जब बकेट ढोता था, तब क्या वो जिस दिन पानी लाने ना जाए उसको पैसे मिलेंगे नहीं, जिस दिन वो वेकेशन में जाएगा क्या उसे पैसे मिलेंगे नहीं। तो यहां ये चीज सीखने की बहुत जरूरी है, जो कि हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन में नहीं सिखाया जाता स्कूल में। वहां हमें पाइपलाइन डेवलप करना नहीं सिखाया जाता, वहां पे हमें सिखाया जाता है क्या चीज दोस्तों, वहां पे हमें सिखाया जाता है बकेट ढोना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको जॉब नहीं करना चाहिए, मैं भी जॉब करता हूं, लेकिन आपको एक साइड हसल रखना चाहिए अपने पास, मतलब आपको साइड में कुछ काम करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका 5 दिन का जॉब है, तो 5 दिन में डेली शाम को आके आप 2 घंटे आपके साइड हसल पे काम कर सकते हैं, साइड बिजनेस के लिए कुछ काम कर सकते हैं। और यदि आपके 2 दिन वीकेंड है, मतलब शनिवार और रविवार को, उस दिन आप 3 घंटे दीजिए, तो कितना घंटा होता है, देखिए 1 दिन में 2 घंटा, मतलब 5 दिन में 10 घंटे हो गए, 10 दिन और 3 घंटे, 6 घंटे, मतलब 16 घंटे, मतलब 1 वीक में 16 घंटे, 4 वीक में कितने हो जाएंगे, 48 घंटे, 4 वीक में 48 घंटे, इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल में आपको 768 घंटे, मतलब लगभग 800 घंटे आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अपने पाइपलाइन को डेवलप करने के लिए लगा सकते हैं दोस्तों। इस बुक में दोस्तों आप लोगों को वो पाइपलाइन क्या हो सकता है वो भी बताया, इसमें 1-2 एग्जांपल दिया है, उसमें से एक एग्जांपल है शेयर मार्केट में आप निवेश करके एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, और शेयर मार्केट में ही आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हैं, बॉन्ड भी खरीद करके आप पाइपलाइन डेवलप कर सकते हैं। तो मैं भी हाईली रिकमेंड करता हूं आप सबको शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। जिसके पास डीमेट अकाउंट नहीं है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट खोलने का भी लिंक दे दिया है, वहां जाके आप
फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाइए आप स्टॉक में। जो भी इस लिंक से आप स्टॉक में फ्री अकाउंट खुलवाएंगे दोस्तों, उसको मैं पर्सनली बात करूंगा, उनको कैसे पाइपलाइन, ये जो पाइपलाइन शेयर मार्केट के थ्रू कैसे डेवलप करना है, मैं उसमें मदद करूंगा। तो आपको लेकिन एक कंडीशन है, इस लिंक से ही आपको क्या करना है, अकाउंट खोलना है। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज इसमें बताया गया है नेटवर्क मार्केटिंग, बट नेटवर्क मार्केटिंग को दोस्तों मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें मैं काम नहीं करता हूं, इसलिए मैं आप लोग को नेटवर्क मार्केटिंग रिकमेंड नहीं करूंगा। ये तो एक कहानी हो गई। इसी तरह और भी कहानी है इस बुक को, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों, खरीदिए इस बुक को, पढ़िए आप खुद से, क्योंकि और भी कहानी है जो मैं पूरा नहीं बता सकता। तो आप क्या करेंगे, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन का, वहां से जाके खरीदिए। और एक छोटा सा कहानी है पावर ऑफ डबलिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये सारा कुछ इस बुक में दिया है। तो पावर ऑफ डबलिंग क्या है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं। क्या होता है, चीन के एक राजा रहता है, उसको चेस खेलना बहुत पसंद आता है। वो चेस खेल के उसको इतना अच्छा लगा, वो अनाउंस कर दिया पूरे किंगडम में कि जो इस चेस के इन्वेंटर है, जो इस खेल को बनाया है, वो मेरे सामने आए, मैं उसको बहुत सारा इनाम देना चाहता हूं, जो वो मांगेगा वो दूंगा। तो क्या होता है, जिसने भी सभा इकट्ठा हुआ, फिर दूसरे दिन सभा इकट्ठा हुआ, सारे मंत्री संतरी सब आए वहां पे। और क्या होता है, वो जो जिसने वो खेल बनाया वो भी आता है। आने के बाद अब क्या होता है दोस्तों, राजा उससे बोलता है मांगो वत्स, क्या मांगते हो तुम, जो मांगोगे वो हम देने के लिए तैयार है, जितना पैसा चाहिए उतना देने के लिए तैयार है, मैं इस चेस के खेल से बहुत मुझे खुशी मिली है। अब क्या करता है, जो चेस के इन्वेंटर रहता है वो बोलता है महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, चेस बोर्ड जो बना है उसके हर खाने में चावल चाहिए, अब मुझे उतना ही चावल चाहिए। उसमें एक कंडीशन है महाराज कि हर एक खाने के बाद जब दूसरे खाने में जाएंगे वहां डबल करना है, मतलब पहले में एक दूसरे में दो, फिर 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो 64 खाने होते हैं, वो सारे भरने के लिए बोलते हैं। तो राजा बोलता है, सारे जितने मंत्री लोग रहते हैं, प्रजा रहते हैं, सब हंसने लगते हैं, अरे यार इतनी छोटी सी बात कैसे मांग लिया इसने, इसको तो राजा ने बोला था जो मांगोगे वो दे देंगे राजपाट के अलावा। अब क्या होता है, बोला नहीं महाराज मुझे बस यही चाहिए, आप यही दे दो मुझे। अब राजा ने बोला आपने जो सेफ जो मतलब रसोईया रहता है उसको बोलता है जाओ एक पोटली चावल का ले आओ और इसे दे दो। अब वो एक पोटली चावल लाके उसको देता है, तो वो बोलता है नहीं महाराज मैं ये पोटली नहीं ले सकता, मैंने जितना मांगा है उतना बस दे दीजिए। अब राजा बोलता है अरे यार ये कैसा मूर्ख है, सोचने लगा अपने आप में कैसा मूर्ख है, सारे लोग हंसने लगे कि अरे यार ये कैसा मूर्ख है, उसने जितना चावल मांगा था उससे तो ज्यादा एक पोटली दे दिया। लेकिन क्या होता है, वो बोलता है कि नहीं मैंने जो कंडीशन रखा है वो दे दीजिए। अब बोल दो रसोईया को बोलता है ठीक है उसे दे दो। अब वो क्या करता है, एक पहले में एक रखता है, दूसरे में दो, 4, 6, 8, 10, 8, फिर 16, 32, 64, 128, इस तरह से क्या किया रखने लगा। जैसे ही एक लाइन कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, वो जो पोटली था उसके सारे चावल खत्म हो गए। राजा हैरान। अब वो रसोईया फिर गया, फिर बड़ी पोटली लाया, बड़ी पोटली से फिर वहां रखना स्टार्ट किया, तो दूसरे लाइन में जैसे ही रखा और भी खत्म। अब राजा को लगने लगा मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया है। राजा ने क्या किया, अपने सारे विद्वानों को बुलाया और जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे उनको बुलाया, जितने भी मैथमेटिशियन थे उनको बुलाया और बोला आप कैलकुलेट करिए कि कितना चावल चाहिए होगा। जब वो मैथमेटिशियन कैलकुलेट करते हैं वो चौंक जाते हैं, राजा भी अचंभित हो जाते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें ये निष्कर्ष निकल के आता है कि लास्ट खाने में मतलब लास्ट खाने तक पहुंचते पहुंचते इतने कुछ ट्रिलियन चावल चाहिए होता है, और वर्ल्ड में जितना चावल है उसका 8 गुना चावल ज्यादा चाहिए रहेगा उसको यदि पूरा करना हो तो। ये होता है पावर ऑफ डबलिंग। तो राजा तो दे नहीं सकता, तो राजा क्या करता है उसके सामने दूसरा कंडीशन रखता है कि मैं तेरे को 1000 जमीन दे देता हूं, सोना देता हूं, सब सुख सुविधा देता हूं। तो जो इन्वेंटर था वो मान गया और खुशी खुशी चला गया उससे। तो ये इस कहानी से दोस्तों क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है पावर ऑफ डबलिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ जो कंपाउंडिंग होता है दोस्तों, आइंस्टीन ने बोला है ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये चीज अभी आप यदि समझ गए तो आपको दोस्तों बहुत पैसा ग्रो होने वाला है। तो इस बुक को पढ़िए, इसमें और कहानी दिया है कि रूल ऑफ 72, इस तरह से एक दो और स्टोरी दिया है, पढ़िए इसको, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं भी आपके पाइपलाइन को डेवलप करने में मदद करूंगा, आपको सिर्फ अकाउंट खोलना है और मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे क्या करना है। ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए ही है, क्योंकि इस फैमिली में मेरे से काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो समरी है इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और जब बुक पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।